पिछले कुछ दिनों तो अकाली दल विच आया तूफान थम्मन दा नाम नहीं लै रहा। बीबी जगीर कौर नूं मुअत्तल करन दे मामले विच नित नवें मोड़ आउंदे दिखाई दे रहे हन। ऐतवार नूं बीबी जगीर कौर ने जलंधर विच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मामले विच लग रहीआं अटकलां दे विराम लगा दिता। उन्हां बंद लिफाफे बंदी सिखां दे मामले विच गैर पार्टी दे सिखां नूं शामिल करन SGPC चोणां नूं लै के गल्लबात दे नाल नाल विरसा सिंह वलटोगा दे तिखे हमले भी कीते अते अपना स्टैंड साफ करदे होए कहा कि हुण चंडीगढ़ जाण दा की फायदा। आओ देखिए उन्होंने की कहा ते किस तरह रखिया अपना पक्ष। जो श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी खालसा पंथ दी सिख कौम दी सिरमौर संस्था जिसका इतिहास कुर्बानियां भरिया होया, जिस दे इतिहास विच साडे बजुर्गां दा खून डलिया होया, उन्हां दी सीने दी मिज दे नाल चरबी दे नाल खुराक दे के पालिया होया। श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दे सिद्धांत परंपरावां मर्यादा सेवावां सब दुनिया नालों विलक्षण है। इलैक्शन कमीशन भारत सरकार दा जनरल इलैक्शन जदों हुंदी है उह चोण करवाउंदे है, उस तो बाद साल बाद प्रधान ते अहुदेदार चुने जांदे है। इस बार भी क्योंकि मैं प्रधान साहब के कोल एक गल कही सी कि संगतां दे विच आम तौर दे उत्ते चर्चा है कि जदों भी साडी चोण हुंदी है ते सानूं आम ही पुछदे रहिंदे है कि प्रधान कौन निकलेगा लिफाफे विचों, अज कहड़ा प्रधान बनेगा। असीं बहुत वारी सुनदे रहे, भावें उह मेरी भी चोण हुंदी सी तां हमेशा कहिंदे सी भी बीबी जी तुसीं निकलोगे कि होर कोई निकलेगा। सो इस तरह की लोगों के परसैप्शन बनी सी जिहड़ी, मैं सोचा कि अज श्रोमणी अकाली दल भी बहुत हाशिए वल नूं गया होया, श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ते भी बहुत सारे किंतु परंतु हुंदे है, तो क्यों ना आपां कुछ जिहड़े सुधार है संगतां दे विचों आउंदे है सुने जाते हैं उस सुधार स्टैप बाय स्टैप करने शुरू करिए। पहला मैं मैंबर साहबानां दे नाल मीटिंग की, इकले इकले नाल घरां च जाके फीडबैक ली। फीडबैक लैन तो बाद जी सारी संगत आवाज़ आई वो यही सी कि आम चर्चा इन्होंने गलों की बहुत है। हूँ क्योंकि उम्मीदवार पहला ऐलानिया नहीं सी, मैं उस वे कहा कि दो तीन उम्मीदवार खड़े करो जिदे एक डेमोक्रेटिक वे जमीर की आवाज़ उत्ते चोण हो। चोण जी क्यों सी एक दे नाल ते हुक्म हो जाता, दो तीन उम्मीदवार होणगे ते कम से कम मैंबर नूं ये समा मिल जाता है कि अपने वर्करां नाल अपने वोटरां दे नाल सलाह कर सकन कि किहनूं मैं वोट पावां, किस तरह ये वोट जिहड़ी मेरी कामयाब होएगी। उहनूं देखदे होइआं मैं कुछ असीं गल्लां तैयार कीतीआं कि जिहड़ी आ चोण होवे इस तों बाद कीता की जाएगा। तुसीं वी सोचोगे कि कारण की है, तुसीं क्यों समझदे हो कि मैं सेवा दे विच जी हाजिर होवां ते मैं इस तरह के काम करा। सब तो पहला तो यह है कि सिख जगत की वाहद नुमाइंदा सिरमौर संस्था श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का आजाद खुद मुख्तियार पंथक रुतबा बहाल करना यह बहुत जरूरी है। अज श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के उत्ते बहुत सारे किंतु परंतु होंगे है, क्योंकि इतिहासक तत्थ गवाह है कि श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी होंद विच आउण तो बाद श्रोमणी अकाली दल इसकी वलंटियर कोर वजो होंद विच आया सी। जो श्री अकाल तख्त साहब दे उत्ते श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी सिरजना की, उस तो बाद सिख कौम ने श्रोमणी अकाली दल एक वलंटियर फौज भाव एक साडी सहायक जिहड़ी सी ओ राजनीतिक शक्ति वास्ते ओ तैयार कीती सी पार्टी, तां जो कोई भी जुल्म दा टाकरा करना होवे, कोई भी बेइंसाफीए दे खिलाफ जो धर्म ते हमला होवे उहदे वास्ते जे कितें मुकाबले करने पैण ते संघर्ष करके ये धार्मिक स्थानां नूं धर्म दे सिधांत नूं गुरमत नूं ये बचा सकण। सो इहदे वास्ते श्रोमणी अकाली दल होंद विच आया। जलंधर तो राघव जैन अते जगदीप सिंह दी खास रिपोर्ट।